मनरेगा योजना के तहत बीपीएल वाले परिवारों को मिट्टीकरण किया जाता है, लेकिन शिवहर जिला के बहुत ऐसा गांव में देखा गया है कि बीपीएल वाले परिवारों को मिट्टीकरण नहीं किया गया है। जैसे कि कुसहर पंचायत के कुसहर गांव में कस्बा टोला वार्ड नंबर 9 पासमान टोला में मिट्टीकरण 400 लोगों को पिछले 10 सालों से नहीं किया जा रहा है। बहुत समस्या है, घर द्वार गिर पर रहले, गहरा गुहरी में घर बा खादा खुदी माटी के जरूरी है, माटी न लोग भरा दे है। कौन न भरा देते हैं? मुखिया सरपंच जेकरा फंड से अबैया से न भरा दे है, बढ़िया बढ़िया आदमी के भरा दे है, हमरा सके छोड़ दे है। इतना दिन से माटी न भरा रहा है, अब मुखिया का कह जाता है तो कहता है कि आप लोग वोट नहीं दिया, हम कहाँ से माटी गिरा दे, तो मुँह तकरा तकरा देता है, हमने के नहीं देता। कितने दिनों से माटी नहीं भरा रहा है? तैयो 15 साल से। अपना से क्यों नहीं भराते? अपना से भरा बहुत बहुत पैसा ट्रैक्टर वाला से मांगे छे, माटी वाला से मांगे छे, तो हमने के गरीब आदमी के कहाँ से जुटी से हम सब अपना से भरा। तो आप लोग कहीं कुछ करते नहीं है, मांग नहीं करते? जाए ले मांगे की तो क्या हुआ? मुहारी अभी यहाँ के मुखिया तो छूट गया, मुहारी मुखिया भेल तब से जाइले कहे तो न कान सुनैया। तो आप क्या चाहते हैं? हम माटी चाहते हैं कि हमने के घर अंगना ऊंच हो जाए, हमने सुविधा से रही, सब घर अंगना गिर जाते हैं, माटी टट्टी फरक गिर जाते हैं, अंगना अति घर द्वार गिर जाते हैं, पानी इतना इतना लग जाते हैं, तो हमने के माटी चाहिए। इस वीडियो को देखने वाले दर्शकों से मैं अपील करती हूँ कि शिवहर प्रखंड के कार्यक्रम पदाधिकारी अरविंद कुमार जी का मोबाइल नंबर 8935958071 पर कॉल कर दबाव बनाए और कुसहर गांव के 400 मजदूरों को मिट्टीकरण करवाने में हमारा मदद करें। मैं रीता, जिला शिवहर, बिहार से, इंडिया अनहट के लिए।